ही व्यूवर्स, की हाल चल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे ऐप्स जो आपको AKMB के अंदर देखने को मिलते हैं। AKMB में क्या मिलता है? AKMB में बहुत कुछ मिलता है, सही से खोजना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे खतरनाक ऐप्स जो आपको बड़े से बड़े काम करके दे देंगे, बस AKMB के अंदर स्टोरेज आपका बहुत ही बचने वाला है। तो आज का वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स का। आई होप आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वीडियो बहुत ही कमाल का होने ही वाला है। तो चलो ना वीडियो स्टार्ट करते हैं बनक्सी बखलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड, में सबसे पहले एप्लीकेशन आता है, उसका नाम है इंस्टाडेक्स, जिसमें से आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करके और अपने फ़ोन को शेक करके उसका मीनिंग जान सकते हैं। सिंपल, आपको वर्ड को कॉपी करना है और आपको अपने फ़ोन को हल्का सा शेक करना है तो उस वर्ड का आपको मीनिंग आपके स्क्रीन में पॉपअप हो जाता है। तो बहुत ही न्यू वे में आप किसी भी वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं, सिंपल कॉपी एंड शेक करके आप जान सकते हैं। कभी भी आपको कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉपी करो, फ़ोन को शेक करो, मीनिंग आपके सामने जाएगा। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है इंस्टाडेक, यूज़ करना मत भूलना, बहुत ही अच्छा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था, उसका नाम है सेजैम। तो सेजैम आप यूज़ किए होंगे, इसका एक लाइटर वेरियन है सेजैम लाइट, जिसकी मदद से आप सिंगल टैप में आपके सराउंडिंग में जो भी गाना बज रहा होगा आप प्ले करके सुन सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा गाना बज रहा है। सिंपल बटन में क्लिक करना है, अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है, उसके बाद में आपके सराउंडिंग जो भी गाना बज रहा होगा ये एप्लीकेशन आपको फाइंड करके दे देगा और करेंटली आप उस गाने को फिर प्ले भी कर सकते हैं सिंगल टैप में। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है सेजैम लाइट, यूज़ करना मत भूलना, कमाल का ऐप है। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है लॉक वॉच, जिसमें से आप जान सकते हैं कि कौन आपके फ़ोन को बिना आपके परमिशन के बिना ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आपके फ़ोन का पैटर्न आपके मर्जी मुताबिक ज़्यादा बार अनलॉक किया जाता है, मतलब आप अगर 2 अटैम्प्ट डालते हैं या 3 अटैम्प्ट डालते हैं तो उस अटैम्प्ट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो आपके फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक होगा और आपके मेल में सेंड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप सोए हुए हो और आपका फ्रेंड आपके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हो, तुक्का मारने की कोशिश कर रहा हो, तो एक बार गलत डालेगा, 2 बार गलत डालेगा। जैसे 2 बार गलत वो डालता है तो उसका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर और आपको मेल में सेंड कर दिया जाएगा। तो यूज़ करने मत भूलना लॉक वॉच, जो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है सिक्योरिटी पर्पज के मामले से, 500 KB के अंदर आता है लॉक वॉच, ज़रूर यूज़ करना। तो फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट एप्लीकेशन था, उसका नाम है VI ब्राउज़र। तो फ्रेंड, इसमें से आप बहुत यूनिक वे में अपने फ़ोन में ब्राउजिंग कर सकते हैं। 200 KB का एप्लीकेशन है जो बहुत ही कमाल का है, बहुत सारे इसमें फीचर दिया गया है। आपको नाइट मोड देखने को मिलता है, इकोग्निटो मोड भी देखने को मिलता है, साथ में डेस्कटॉप साइड मोड भी देखने को मिलता है और एक न्यू फीचर इसमें क्या है, टूल्स के अंदर आपको यूज़र एजेंट में आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र को क्रोम PC की तरह यूज़ कर सकते हो, आईफोन के सफारी की तरह यूज़ कर सकते हो, नोकिया के ब्राउज़र की तरह यूज़ कर सकते हो और जितना आपको अदर ब्राउज़र देखने को मिलता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ब्राउज़र 200 KB के अंदर आता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, यूज़ करना चाहिए आपको। साथ में आप कोई भी पेज को सेव कर सकते हो और फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो। यूज़ करो, VI ब्राउज़र 200 KB के अंदर है, तो अगर आपका फ़ोन का स्टोरेज कम है तो इसको यूज़ करो यार, क्रोम कितना ज़्यादा MB लेता है ये आपको भी पता है। VI ब्राउज़र यूज़ करना मत भूलना। तो फिर जो आखिरी एप्लीकेशन था, उसका नाम है AP15। ये एक लॉन्चर है जो आपके फ़ोन को मिनिमलिस्टिक बना देता है। इस लॉन्चर में आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही बोरिंग है लेकिन बहुत ही यूनिक देखने में लगता है। जैसे कि देखते हैं, पूरा एप्लीकेशन आपको, पूरा आपके फ़ोन का एप्लीकेशन एक विंडो में आ चुका है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुका है। सिंपल, आपको ये टेक्स्ट जितने देखने को मिल रहा है वो सभी आपका एप्लीकेशन है। सिंगल टैप में आप ओपन कर सकते हैं और सिंगल टैप में आप बैक भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के आपको पास एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं 1 MB के अंदर, बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन आए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इनमें से कौन सा बेस्ट लगा कॉमेंट करके मुझे बताना ना भूले। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं फिर सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो ठीक है व्यूअर्स, तो मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे स्टूडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's hard to breathe, but that's alright.